कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं पे बस जाए। सच कहते हो मोटू, हम चारों यहीं रहे तो कितना अच्छा होगा। हम चारों नहीं, हम पांचों। चाय वालों को भी बुलाना होगा, वरना मेरे समोसे कौन बनाएगा? उड़ी बाबा, इतनी सुंदर जगह में भी तुमको समोसा का पड़ा है। चलो चलो, जल्दी से टेंट लगाओ। उड़ी बाबा। ओए मोटू, से टेंट लगवाओगे तो यही होगा, उसे तो सिर्फ समोसा खाना आता है। मार सुटिया पापड़ वाले नू। अभी हम कोई रिस्क नहीं लेगा, सब एक एक खूंटा पकड़ के गाड़ो। चलो जोर से रस्सी पकड़ो, वरना टेंट उड़ जाएगा। ओए कसम मेरे मरीजों की, दोबारा ट्रैकिंग में नहीं आऊंगा, और आया तो टेंट नहीं गाड़ूंगा, गाड़ा तो रस्सी नहीं पकड़ूंगा, और पकड़ी तो जोर से नहीं पकड़ूंगा। ओए उड़ी बाबा, डॉक्टर झाट का एक बार बोलो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे? अरे मुझे कंफ्यूज मत करो। ट्रैकिंग तो जमीन पे होती है, किसी ने बताया नहीं कि बाई एयर भी होती है। मोटू जल्दी कुछ करो। अरे मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, अब तुम ही कुछ सोचो। सोचने की जरूरत नहीं, रस्सी जोर से पकड़ो, छोड़ना मत। बुढ़ी बाबा, जोर से पकड़ा तो उड़ गए, अब भी बोलता है जोर से पकड़ो। अरे कोई बचाओ, जंगल में आग लगाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। जंगल में आग नहीं लगानी, इन लकड़ियों में लगानी है। मेरा वही मतलब है, ये देखो ट्रैकिंग में पत्थर से आग कैसे लगाते हैं। ओए सारी जिंदगी पत्थर ही रगड़ता रहेगा तो आग कब जलेगी? बोतल में मिट्टी का तेल है, मैं लेकर आता हूँ, वो डालने से आग तेज होगी। रुको रुको, तेल लाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। उड़ी बाबा। तुम्हें मार खाने का 20 साल का तजुर्बा है कि नहीं? उड़ी बाबा नहीं है। क्यों? मामा बचाओ, मामोनी बचाओ। समोसे जब तक गर्म ना हो तब तक खाने का बिल्कुल मजा नहीं। ये अपने बैग में सिर्फ समोसे भर के लाया है और इसका सामान सब मेरे बैग में डाल रखा है। ओए उस पहाड़ी पे चढ़ के दुनिया स्वर्ग जैसी सुंदर दिखती है। स्वर्ग जैसी ही दिखेगी, उतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ते चढ़ते ही स्वर्गवासी हो जाएंगे। मैं नहीं चढ़ूंगा वहाँ। बाबा मोटू, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें रस्सी से खींच लेगा। फिर ठीक है, चलो चढ़ते हैं, ऐसी छोटी मोटी पहाड़ियों से क्या डरना। तुमने हमें बचा लिया। अब कहीं अच्छी सी जगह उतार तो गरुड़ देवता। ये तो हमें अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट बना के लाई है। अब क्या करे मोटू, कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अब तुम ही कुछ सोचो। पेट तो अब इस बच्चे का भरने वाला है। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे उसकी चोट से खुद को बचा रहा हूँ। और मुझे कौन बचाएगा? इस घोंसले से बाहर निकलो जल्दी।
हमारा गिरना पड़ना अच्छा लग रहा है। तो फिर और गिरते पड़ते हैं। चलो इसका और मनोरंजन करते हैं। थैंक्स दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। इसे इसके घोंसले में छोड़ के आना होगा, वरना इसकी माँ ने देख लिया तो सोचेगी कि हम इसे उठा के ले जा रहे हैं और फिर हमारी खैर नहीं। ये कितना अच्छा बच्चा है, अपनी माँ पे बिल्कुल नहीं गया है। पकड़ू, चलो। पतलू, तुम्हारा साया इतना बड़ा कैसे हो गया? ऊपर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। वो तो एकदम हमारे सिर के ऊपर है। वो तो जल्दी कुछ सोचो, वरना सिर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। अरे मैं क्या सोचूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, सोचना क्या है, और तेज भागो। इतना भी तेज नहीं बोला था। जय हो, बच गए। लगता है किसी गुफा में आ गए। चलो बाहर चल के देखते हैं कि वो ईगल कहाँ गई। जय हो, ईगल रानी चली गई। वो रहे मोटू पतलू। बुड़ी बाबा, वो ईगल उनके पीछे पड़ा है। ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, ये कहां से आ गया? सत्यानाश हो उसका। जल्दी जल्दी, वो तुम्हारे पीछे है। जाओ डॉक्टर झटका, पहली बार तुम्हारे बनाए आविष्कार से कुछ फायदा हुआ है। उसे कितनी दुर्गंध आ रही है, ब्रश नहीं करती क्या? पतलू कुछ करो, ये तो मुझे ले जाने का प्लान बना के आई है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लेन को डाइव मारो जल्दी। लास्ट मोमेंट पे ऊपर कर देना। मेरी माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हो? ऊपर वाले को याद कर लो, बस ये ट्रैकिंग का एंड है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा यार। हम वापस ईगल के घोंसले में ही आ गए। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। बुड़ी बाबा, अब क्या होगा? वो होगा जो मंजूर ऊपर वाला होगा।